नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं आज हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जब आपका स्पार्क प्लग जो है वो जैम हो जाता है, यानी कि टाइट हो जाता है हेड असेंबली में, तो उसको कैसे अवॉइड करना है। ज़्यादातर करके ये प्रॉब्लम तभी होता है जब आप स्पार्क प्लग ऑफन यानी कि काफ़ी टाइम चेंज नहीं करते, दूसरी बात ऑक्सीडेशन होता है, तीसरी बात जब कभी कार्बन लेयर आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है जैम करने के लिए यानी कि टाइट करने के लिए स्पार्क प्लग को ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे क्या चीज़ है जिसको हमें यूज करना चाहिए, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है एंटी सीज कंपाउंड, निकेल बेस्ड है, कॉपर बेस भी आता है। इसको लगाने के लिए आपको आइसक्रीम के जो पट्टियाँ आती हैं जिसको हम पॉप्सिकल्स कहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं या ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से डायरेक्टली नहीं लेकर लगाना है। इसके लिए आपको पहले स्पार्क प्लग निकालना पड़ेगा गाड़ी से स्पार्क प्लग टूल के साथ। आप देख सकते हैं थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको हम सहज करना है। जो थ्रेड्स है इसके ऊपर आप कार्बन डिपोजिशन देख सकते हैं या ऑक्सीडेशन होता है, तो ये सब चीज़ें ना होने चाहिए करके हमें यूज करना है ये कंपाउंड को। लेकिन वापस आप जब वही स्पार्क प्लग अगर लगाना चाहते हैं तो क्लीनर से क्लीन करके फिर आपको पेस्टिंग करना है थ्रेड के ऊपर। ध्यान रखना, डायरेक्टली आप हाथ से यूज़ मत करना, ये जो ग्रीस है या जो कंपाउंड है ये स्पेशल है। ये सिर्फ स्पार्क प्लग पे नहीं बल्कि आप एक्सल पे यानी कि आपका जो व्हील एक्सल है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। बहुत ही थोड़ा लेना है और हल्के से लेयर लगाना है थ्रेड्स के ऊपर, बिल्कुल भी ज़्यादा लगाना नहीं है क्योंकि उसकी आवश्यकता जो है वो नहीं है। थ्रेड के ऊपर एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो बाकी सब जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे कंडक्टिविटी लॉस हो सकती है। देखिए ये नॉन कंडक्टिव है, इसमें से पास नहीं होता है करंट, तो अर्थिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्पार्क प्लग के लिए। इसी के लिए आपको ज़्यादा लगा के मतलब नहीं है, उल्टा आपका स्पार्क प्लग ख़राब हो सकता है, मतलब कंबशन में आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए ध्यान से लगाना है, बहुत थोड़ा लगाना है। इवनली अप्लाई करना है सब थ्रेड्स पे, इम्पोर्टेंट आगे के रहते हैं। अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको सिक्योर करके साइड में रख देना है। आपको रीयूज करना है तो ध्यान रखना है इसको खुला ना छोड़े। आप बहुत जगह लगा सकते हैं यानी कि नट बोल्ट्स है काफ़ी सारे जहाँ पे थ्रेड लॉक नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, डिपोजिशंस बहुत आते रहते हैं, रस्ट हो सकता है, कार्बन लेयर आता है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इंजन इंटरनल कंपोनेंट्स के लिए नहीं है, ध्यान रखना। प्लग के ऊपर अप्लाई करने के बाद प्लग को आपको फिट करना है। अगर स्पेसिफाइड टॉर्क है आपके पास डेटाबेस है तो आप टॉर्क लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो हैंड टाइट भी बहुत सही काम कर जाता है। ज़्यादातर करके मैं पुरानी बुलेट्स में हाथ से टाइट करता हूँ, टॉर्क रेंच यूज़ नहीं करता हूँ। एक बार इसको फिट कर देंगे तो फिर आपको प्लग कैप लगा देना है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर ग्रीस हम लगाते हैं, ये कंपाउंड लगाते हैं, तो कंडक्टिविटी रहती है या नहीं रहती है। आप सुन सकते हैं आवाज़, यानी कि कंडक्टिविटी अच्छी है। इसी के लिए आपको ग्रीस का जो लेयर है वो बहुत कम लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है। अगर आप देखेंगे, मैं अगर डायरेक्ट ग्रीस की कंडक्टिविटी चेक करता हूँ तो उसमें नॉन कंडक्टिव आपको फैक्टर मिल जाता है। मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ,
तो लगाते समय आपको बहुत थोड़ा क्वांटिटी में लगाना है, ज़्यादा लगाएंगे तो नॉन कंडक्टिव हो जाएगा और जिससे स्पार्क प्लग जो है वो अर्थिंग ना हो जाएगा और गाड़ी बंद होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। एक चीज़ से एडवांटेज है, उसी चीज़ से डिसएडवांटेज भी हो सकती है, इसी के लिए ध्यान से काम करना है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी रहेगी। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्पार्क प्लग आप ठीक से नहीं बिठाएंगे या उसका मेंटेनेंस करते समय जो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए वो आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है या झेलनी पड़ सकती है। दूसरी बात, गलती ये होती है हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली गलती होती है कि हम ज़्यादातर स्पार्क प्लग चेंज नहीं करते। बहुत सस्ता स्पेयर पार्ट है, लेकिन साल में एक बार या 2 साल में एक बार चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये गाड़ी जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, सर्विसिंग कर रहा हूँ इसकी गाड़ी की, तो ये आपको मैं बताने वाला हूँ, ये डेमो है। इसमें मुझे डाउट है कि स्पार्क प्लग नया रहेगा, क्योंकि मैं अभी इसका लिस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये गाड़ी में बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम है। तो ये डेमो पर्पज़ मैंने वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको ये समझे कि जब आप गाड़ी सर्विस करते हैं तो क्या चीज़ें अप्लाई करनी ज़रूरी है।